अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे एंड अपनी जिंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें हमारी फैमिली का नाम करना चाहिए। रिसेंटली मेरी अम्मी एक दुकान पर गए थे खाना लेने, पार्सल लेने, तो वहां पे मेरी अम्मी को देख के किसी ने ये कहा कि आप तो फरहीन सफेदा 07 की अम्मी हैं, वो होता है नाम। तो मुझे बड़ी खुशी हुई बट कभी भी घमंड नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। चलिए मूव टू द वीडियो, हम लोग हमारे वीडियो पे जाते हैं। बहुत सी लड़कियों की शादी होने वाली है, लड़कों की भी शादी होने वाली है, या फिर आपकी स्किन पर डलनेस आ गई है, D10 सन टैन जिसे बोलते हैं ना, जैसे आप धूप में ज्यादा घूमते हो, धूप में ज्यादा बाहर निकलते हो तो आपको सन टैन हो जाता है। आपको गर्मी की वजह से आपका चेहरा थोड़ा सा डल लेता है लेकिन अंदर से वो क्लीन हो सकता है जब आप कुछ चीजें बाहर से अप्लाई करके थोड़ा सा उसको बेटर करते हो। तो स्किन पे ऐसी चीजें अप्लाई करें जो अंदर से भी वर्क हो, बाहर से भी वर्क हो। डी टैन हट सकता है, सन टैन जो कि कालापन है वो हट सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मुझे मतलब मेरे डार्क सर्कल है बिकॉज ऑफ मैं कम नींद ले रही हूं, तो ये हट सकते हैं। हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से ये हट सकते हैं, बट आप लोगों को उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक बनता है एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर बनता है क्योंकि आप सभी के लिए मैं नए वीडियोस लाती रहती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सन टैन डी टैन यानी कि देख सकते हो कि मेरी स्किन है ना ब्लैक नहीं है, मेरी स्किन सन टैन नहीं हुई है। क्यों नहीं होती मेरी स्किन सन टैन? मैं बाहर तो निकलती हूँ लेकिन बुरके में ही निकलती हूँ, ये अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है लड़कियों के लिए। लेकिन क्या होता है कि डलनेस आ जाती है कई बार शादी से पहले, आपको आपका चेहरा थोड़ा ग्लो करना रहता है। मैं आज आपको घर की ऐसी 3 चीजों से सन टैन यानी कि आपका जो कालापन है उसको दूर करने की बहुत हद तक कोशिश करेंगे। ये वाला जो हम लोग फेस पैक आपको बताएंगे, मैं आपको जो बताऊंगी वो बहुत ईजी है, घर में आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता ना तो भी आप देखोगे कि आपकी किचन में वो अवेलेबल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि आपका जो नेट है ना वो कीमती है। आप दूसरे भी वीडियोस देखते होंगे इसी बात पे, इस वीडियो को लाइक तो बनता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि घर का जो आटा है वो घर में अवेलेबल होता है, गेहूं का आटा। ओके, तो गेहूं के आटे में जो हम लोग गेहूं का आटा छालते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि गेहूं का आटा कैसे मैंने छाला है, उसकी जो प्रोसेस है वो ये वीडियो में देख लीजिए एंड उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊंगी। और दूसरी बात बता दूं, सन टैन इजीली जाएगा आपका, वीक में एक बार यूज करो। और आपको मैं एक और प्रोसेस दिखाऊंगी जिसके बाद आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग होगी। और अगर आपकी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, आपको ओपन पोर्स है, आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट रेमेडी आपके जो सवाल होंगे उस पर भी दूंगी कि आप ऐसी स्किन है तो ये कर सकते हो एंड ये कर सकते हो। चलिए कमेंट कर दीजिए आपकी स्किन की क्या प्रॉब्लम है, इसी बात पे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सन टैन की जो हम लोग रेमेडी है वो शेयर कर रहे हो। चलिए देखते हैं। तो ये है गेहूं का आटा, इसको हम छालते हैं छन्नी से। आपको क्या करना है, आपके फेस के अकॉर्डिंग इसको छाल लेना है। पहले इसको छान लो अच्छे से और फिर ये ऊपर का जो आटा बचता है ना, ये जो हम इसे फेंक देते हैं, इसका ही यूज हमें करना है अपने फेस के लिए। डी टेन हटाने के लिए यही आटे का इस्तेमाल करें। ये गेहूं का आटा है, इसमें आप रेडीमेड एलोवेरा जेल भी डाल सकते हो लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप नेचुरल डालें, घर में जो पेड़ हो उसी में से निकाल के डाले। ये इसीलिए मैं कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए मैं रेडीमेड एलोवेरा यूज कर रही हूँ, बट आप घर का भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। और ये ग्लिसरीन जो मैंने आपको बताया मेडिकल में इजीली 50 रुपए का मिल जाएगा, ये आपको 5 महीने तक चलेगा, इसको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। तो हमारा जो ये है पैक आपने देख लिया कैसे बनाना है, सिर्फ 3 चीजों से। बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीजें अप्लाई करते हैं, स्किन को खुद बिगाड़ते हैं।
हम लोग ऐसा सब नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपल रेमेडीज बताती हूँ, उसको फॉलो अप करें। गेहूं का आटा कभी भी गर्म नहीं होता तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे। दूसरी बात, ग्लिसरीन बहुत ठंडा है और स्किन के लिए बहुत अच्छा, स्किन को ग्लोइंग करता है। व्हाइट ग्लिसरीन जो कि आपको मेडिकल में 50 रुपए में इजिली मिल जाएगा, और एक ग्लिसरीन लोगे तो आपको 3-4 महीने चलेगा। ग्लिसरीन लाना मत भूलिएगा मेडिकल से, ओके। और एलोवेरा जेल तो आप इजीली मार्केट से लेते ही हो, तो ये 3 चीजें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है ना आपका घर का, तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो मैं इसको अब अपने फेस पे लगाने जा रही हूँ, और आपको मैं एक और बात बताऊंगी, मैं इतने ही पार्ट में पहले लगाऊंगी और आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि रिजल्ट दिखाना जरूर बनता है। लोगों को पता तो चले कि मेरा जो फेस यहां से जो इतना क्लीन है, तो इसके ऊपर और ये लगाने से कितना क्लीन होगा, और ये हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो मैं आपको दोनों ही पार्ट दिखाऊंगी, चलिए देखते हैं। मैं ना वुजू करके अभी रिसेंटली निकली थी, असर की नमाज पढ़ी थी, तो मेरा फेस ऑलरेडी क्लीन है। अगर आप इसे डायरेक्टली लगा रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है, आप अपने फेस को जरूर वॉश करें। हाँ यस, मेरा फेस अभी मैंने वुजू किया था तो क्लीन है। तो हम लोग इसी साइड पे अप्लाई करेंगे, इस साइड पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट हूबहू दिखेगा। एंड यस, गर्मी के टाइम में ऐसी कोई चीज आप अप्लाई ना करें जो गर्म ही हो। जैसे कि मेथी का ऑयल आप सर में लगाते हो तो आपको गर्म की वजह से गर्म और पड़ेगा, और आपकी स्किन और ब्लैक हो सक, अरे आपके बाल और टूट सकते हैं। मेथी का जो ऑयल है, मेथी दाने का जो ऑयल है, ऐसी चीजें अप्लाई मत करें। रिसेंटली मैंने एक लड़की को देखा, उसके पूरे बाल झड़ गए थे बिकॉज ऑफ दी मेथी ऑयल, एंड ऐसा ऑयल यूज कर रही थी वो जिसके अंदर मेथी हो। वेट फॉर इट, हम हमारा दुपट्टा सही करते हुए, एंड हम लोग हाफ में ही लगा रहे। एक्चुअली यहाँ पे मैं कोई फिल्टर का यूज नहीं कर रही हूँ, मेरी आदत है कि मैं नेचुरली जो भी होता है वो बताती हूँ, मुझे आदत नहीं है। और दूसरी बात, आप अपने स्किन के ऊपर आइसिंग जरूर करें, हफ्ते में कम से कम 3-4 मरतबा। आइसिंग करने से क्या होता है, आपके ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं और आपकी स्किन थोड़ी सी लाइट होने लग जाती है। और स्किन पे 2-3 चीजें ही अप्लाई करें, जैसे कि मैंने ये बताया, ये अप्लाई करो हफ्ते में 2 मरतबा, 3 दिन के बाद एक बार जरूर अप्लाई करें, 3-3 दिन में 3 दिन के बाद अप्लाई करें। और आपकी स्किन आप खुद देखोगे कि जब आप 2-3 महीने यूज करोगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। वैसे तो मेरी स्किन बहुत ही ग्लोइंग है बिकॉज मैं ये सब कुछ अप्लाई करती ही रहती हूँ, क्योंकि घर के ही ऐसे इलाज है तो आपको बाहर फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों की शादी हो रही है तो वो लोग प्लीज़ यही अप्लाई करें, फेशियल ब्लीच ना कराएं। फेशियल ब्लीच कराने से क्या होता है, आपके हेयर यहाँ से उगने लग जाते हैं और वो फेशियल हेयर कभी भी निकलते नहीं है, और इतना गंदा लगता है जिसकी कोई हद नहीं। ये जो है ना, ये पैक आप देख सकते हो कि मुझे थोड़ी जलन भी हो रही है, अंदर से मुझे थोड़ी जलन इसलिए हो रही है लगाने के बाद, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी गंदी हो चुकी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो आपकी स्किन अगर अंदर से बहुत गंदी होगी, धूल मिट्टी वाली, तो आपको थोड़ी इचिंग भी होगी। एंड यस, इसको आप स्क्रब भी कर सकते हो, बट मैं स्क्रबिंग नहीं करती, मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। अगर आपकी स्किन ज़्यादा डल है, आपकी स्किन ज़्यादा ब्लैक है, तो आप इसको थोड़ा सा सूख जाए, मिनिमल थोड़ा सीख जाए, उसके बाद आप स्क्रब कर सकते हो। स्क्रब करें, ऊपर की साइड स्क्रब करें, तो आपके जो छोटे छोटे हेयर होंगे वो भी निकल जाएंगे। ऐसी ही रेमेडीज के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मेहंदी के क्लासेस भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये वाला भी बचा है तो वेट फॉर इट, हम इसको निकालेंगे, फिर मैं अपने दोनों फेस का डिफरेंस दिखाऊंगी, वेट फॉर इट। अब एक्चुअल में होता ये है कि मगरिब, देख सकते हो आप पीछे, मगरिब की अजान हो जाती है और मैं इसको ज़्यादा 10 मिनट और नहीं रख सकती। इसको तकरीबन आप 20-25 मिनट रखोगे तो ये एक्चुअल में सूख जाएगा। हालांकि सूखने के बाद ही आप इसको फेश, मतलब आप अपने पानी थोड़े ठंडे पानी से आपको अपने फेस को धो देना है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बट वो टाइम नहीं हो पाया मेरे से क्योंकि ऑलरेडी अजान हो चुकी थी। तो यस, फिर मैंने सोचा कि हम स्क्रबिंग कर लेते। आप स्क्रबिंग भी कर सकते हो अगर आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा डल है,
तो आप ऐसे स्क्रबिंग कर सकते हो ऊपर की ओर करें। ये थोड़ा अभी और सूखा नहीं है क्योंकि अजान हो गई, अब मुझे नमाज पढ़नी है। देख सकते हो ये ब्लैक होता जा रहा है। ये जो हमारा आटा है, ग्लिसरीन है, एलोवेरा है, ये मिक्सअप कितना अच्छा था, ये अब ब्लैक होता जा रहा है। तो ये स्किन के ऊपर कितना अच्छा काम कर रहा है आप देख सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो। मैं एक्चुअली एक हाथ से दुपट्टा पकड़ ली थी, सॉरी। तो आप ऐसे कर सकते हो, हमेशा आप अपनी अंडर आईज के नीचे आप ऐसे ऐसे मसाज करें। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपके जो डार्क सर्कल है वो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। थोड़ा मुझे जला बिकॉज ऑफ मेरी स्किन काफ़ी गंदी हो चुकी थी, काफ़ी टाइम से कुछ अप्लाई नहीं कर रही थी। यहाँ पे हमने कुछ अप्लाई नहीं किया, आप अभी भी देख सकते हो। मैं इसका रिजल्ट बताने के लिए आपको आधे में बताया है, सिर्फ हाफ में। मैं ऐसी ही हूँ, जो सच है, जो अच्छा होगा वही आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए इसी बात पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से वीडियोस लाती हूँ मैं, और मेरे पर्सनल अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हूँ। आप अपने हमेशा अपने चेहरे पे ऐसे मसाज करें, क्योंकि ऐसे मसाज करने से आपके गाल कभी भी लटकेगे नहीं। जो झुर्रियाँ हो जाती है, गाल लटक जाते हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे दिखता है, वो सब नहीं होगा। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे मसाज करा तो मेरी स्किन यहाँ से कितनी टाइट दिख रही है। यहाँ पे कोई सर्कल, यहाँ पे कोई आपको कर्व नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा होगा। तो इसीलिए मसाज करने का ये नतीजा होता है, आप डिफरेंस खुद देख सकते हो। ये देखिए, मैंने जब इसको मसाज करा तो ये टाइट हुआ। आप डिफरेंस खुद यहाँ पे देख सकते हो। डिफरेंस आप देख सकते हो, क्लियरली आपको डिफरेंस दिखता है। 101% रिजल्ट मिलेगा जब आप ऐसे मसाज करोगे। एंड आप देख सकते हो कि मैंने जब अपने हाथ में देखा तो ये पूरा ब्लैक ब्लैक निकल रहा है, मतलब मेरी स्किन कितनी गंदी है। जल रहा हो स्किन तो समझ जाओ कि आपकी स्किन अंदर से बहुत गंदी है। फेशियल ब्लीच और कई तरीके फेशियल करते हो तो फेशियल हेयर आते, बात याद रखना। ऐसे घर के नुस्खे करते रहिए, ज्यादा नुस्खे नहीं करने, ये अप्लाई करें, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अब हम इसको फेस को वॉश कर लेंगे और मैं आपको हाफ रिजल्ट दिखाऊंगी। एक्चुअल में मुझे रिजल्ट हूबहू दिख रहा है मेरे आंखों के सामने। ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा डार्क है, आप ये सर्कल देख लीजिए। एंड यस, हम लोग इसको वॉश करते हैं। तो मैं आपको अपने चेहरे का रिजल्ट दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो, बहुत क्लोजअप से दिखा रही हूँ। मेरी आदत है, मैं सच्ची बताऊंगी, मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं बताऊंगी जिससे आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो। देख सकते हो, वेट फॉर इट, मैं आपको साफ करके क्लीन करके दिखा रही हूँ। लुक एट द ग्लो। और अगर आपने ज़्यादा देर रखा तो उसके सारे जो भी विटामिन्स है, एलोवेरा में बहुत विटामिन्स होते हैं, और आटे में कितने विटामिन है, आटे से कितनी फायदे होते हैं स्किन के, अगर वो बता दिया तो यू विल बी ऑलवेज यूज। तो यस, आप डिफरेंस देख सकते हो। देखो, आपको दूर से भी लगेगा, वैसे तो मेरी स्किन काफी ज्यादा क्लीन है इसलिए डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन मुझे नजर आ रहा है अंडर ये जो मेरे डार्क सर्कल है उसमें मुझे काफी फर्क दिख रहा है। आप देख सकते हो, आप खुद देखो, ये मेरा चेहरा है। आप इसका स्क्रीनशॉट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कितना क्लीन दिखेगा आप खुद देख सकते हो। इसका मैं कैप्चर करके फोटो भी आपको दिखा दूंगी। तो ये आप देख सकते हो नजरिया, ये देख लीजिए, ये डलनेस आपको दिख रही होगी, एंड ये देख लीजिए। तो ये बात है, आप अगर ऐसे देखोगे तो आपको क्लीन ही लगेगा, लेकिन आप अगर ऐसे देखोगे तो आपको चमक हूबहू दिखेगी। सो ये है हमारा होममेड फेशियल, समझो डी टेन समझो, सन टेन के लिए ये बेस्ट है। बहुत से फायदे हैं, यूज इट। आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत बेहतरीन होंगे। आप अपने टॉपिक्स मेरे आगे रखिए, आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इस पार्ट में लगा दूंगी क्योंकि मैं ऐसे नहीं घूम सकती, एक बाजू से क्लीन और एक बाजू से गंदा। चलिए नमाज भी पढ़ लूँ, टाइम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं फिर। और अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम बहुत हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में कह देना, मैं इंशाल्लाह टॉपिक्स लेके आऊँगी।